अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी राउफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है व्हाट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडजॉइनिंग टेबल। व्हाट ऑपरेशन, अब यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को शो करने के लिए एक स्टार लगाया गया, लेकिन हमें नहीं पता कि ये एडिशन है या मल्टीप्लीकेशन। सो हमें ये बताना है कि ये कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो किस सेंस में आ रही हैं। 0 0 0, 0 1 1, 0 2 2, ये हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज़ हो रहा है वो एडिशन का ऑपरेशन है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आप कोई भी वैल्यू किसी में भी ऐड करवा रहे हो, ज़ीरो एज एन आइडेंटिटी काम कर रहा है। कैसे? 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो एडिशन का ऑपरेशन है। सो हम लिखेंगे फ्रॉम टेबल इट इज क्लियर दैट द ऑपरेशन इज एडिशन मॉड्यूलो 4 बिकॉज 0 एक्ट एज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? 0 एक्ट एज आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये है कि इस 0 की वजह से दूसरी वैल्यूज पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। हम 0 को किसी भी वैल्यू में ऐड करवाएं, वही वैल्यू एज इट इज वापस आ जाएगी। दैट्स व्हाई हम इसको बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पर काम कर रहा है। दूसरे नंबर पे हमसे क्या पूछा गया? नेक्स्ट हमसे कहा गया नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रेलिवेंट सेट इफ इट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट का नाम हमने ऑलरेडी लिख दिया, जो कि है हमारे पास 0, लेकिन हम दोबारा से यहाँ पर मैंशन कर देते हैं दैट 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन बिकॉज 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2, 0 + 3 = 3. क्लियर? नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया? नेक्स्ट उन्होंने कहा इफ इट एग्जिस्ट इज द ऑपरेशन एसोसिएटिव। क्या ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है? सो हम लिखेंगे यस द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अब हमने येस दी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव क्यों लिखा, इसकी रीज़न क्या है, ये हम अब प्रूफ करके आपको दिखाने लगे हैं कि बेसिकली ये एसोसिएटिव कैसे है। हम कोई सी भी 3 वैल्यूज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0 1 एंड 2 ही ले लेते हैं। अब हम करते हैं 0 + 1 + 2 या 0 + 1 पहले और +2 बाद में। यहाँ पर आएगा 0 + 3, यहाँ पर आएगा 1 + 2। दोनों सूरतों में आंसर इक्वल आएगा, दोनों सूरतों में आंसर 3 आएगा। दैट्स वाई यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? येस द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। लास्ट चीज जो हमसे पूछी गई है वह फाइंड द इनवर्स ऑफ 0 1 2 3 इफ दे एग्जिस्ट। अब हमें इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए न्यू है, इसलिए ज़रा गौर से देखिएगा कि हमें इनवर्स बेसिकली किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। अगर तो हमारे पास ऑपरेशन एडिशन का है तो आइडेंटिटी एलिमेंट आप अच्छी तरह से जानते हैं 0 होगा, और अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, सो हर एक एलिमेंट के लिए हम 0 से स्टार्ट करके 0 पे रुकेंगे। मतलब कि अब पहला एलिमेंट हमारे पास 0 है, सो हम लिख लेते हैं इनवर्स ऑफ 0 = 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पर जाके रुकेंगे, और इसके ऊपर टॉप पर देखेंगे कौन सा एलिमेंट है। टॉप पर 0 है, सो हम लिखेंगे दैट 0 का इनवर्स 0 ही होगा। नेक्स्ट 1 से स्टार्ट करेंगे और आइडेंटिटी एलिमेंट पे जाके रुकेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 और 0 के टॉप पर क्या लिखा हुआ है? 3। सो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का इन्वर्स क्या है? 3। सो हम लिखेंगे 1 का इन्वर्स होगा 3। नेक्स्ट आ गया 2 से स्टार्ट करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट पे जाके रुकेंगे जो कि है 0 के टॉप पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 2, इस वजह से हम लिखेंगे 2 का इन्वर्स है 2। नेक्स्ट आ गया 3 से स्टार्ट करेंगे, 0 पर जाके रुकेंगे और 0 के टॉप पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, टॉप पर है 1, इसका मतलब 3 का इन्वर्स क्या है हमारे पास? 1। क्लियर? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज नंबर 2.7 भी यहीं पर क्लोज करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.8 स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।